टीवी के सीरियल प्यार का पहला नाम राधा मोहन में राधा पहुंच गई है दामिनी के कैबिन में करने उसकी जासूसी। असल में वो सच का पता लगाना चाहती है। इससे पहले कि राधा तुलसी की मौत का सच का पता लगा पाती, हो जाती है दामिनी की एंट्री और दामिनी इस बात का फायदा उठाकर राधा को ऑफिस से निकलवाने की बात तक कह देती है। मना क्या था ना तुमने कि बिना परमिशन मेरे कैबिन में मत आना? मोहन क्या ये वो बहुत गालियां पड़ी है तुम्हारी हिंदी वाली स्पीच पर? अब देखो कैसी गालियां पड़ी और उसके साथ धक्के मार के ऑफिस से निकाल दी जाओगे। याद है ना माने क्या कहा था कि अगर बिना परमिशन के तुम मेरे कैबिन में घुसती हो तो ऑफिस से बोलने निकाल देगी। माँ आप ही ने कहा था कि राधा अगर मेरे कैबिन में या ऑफिस के किसी भी इम्पोर्टेंट जगह बिना परमिशन के जाएगी तो हम इसे ऑफिस से निकाल देंगे। तो अब टाइम आ गया है, अपनी बात पूरी कीजिए और निकालिए इसे ऑफिस। भाई दामिनी की बातों में आकर मोहन की मम्मी राधा को नौकरी से निकालने की बात कहती ही है कि राधा तभी सच बता देती है कि दामिनी ने उसे आज के दिन प्यून का काम दिया है क्योंकि आज प्यून ऑफिस में नहीं आया है। ये कहते हुए राधा झाड़ू लेकर दामिनी को टशन दिखाते हुए वहाँ से निकल जाती है। बस फिर क्या, ये सुनते के साथ ही बाजी पूरी पलट जाती है और जो मोहन की मम्मी राधा पर बरसने वाली होती है वो दामिनी पर ही बरस उठती है। सब कुछ इतना अच्छे से चल रहा था, ये गलती करने की क्या जरूरत थी? अब मजबूरन हमें तुम्हें ऑफिस से निकालना होगा। देखो राधा, बहुत सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो जूनियर स्टाफ को नहीं बताई जाती। एग्जैक्टली, रूल्स तो रूल्स ही होता है ना राधा, चाहे वो सीईओ हो या इंटर्न अप क्यों। बिल्कुल बड़ी मैडम जी, हम भी वही करने आए थे, अपने नियमों का पालन करने ही आए थे। क्या मतलब? अली मैडम जी, आज पीयू काका जी की छुट्टी थी तो रामनी मैडम जी ने पीयू काका जी को काम करने के लिए कहा। हम तो बस वही कर रहे थे, तो हम इस कमरे में आए तो हमने देखा कि कमरा बहुत गंदा है, तो इसीलिए हमने सोचा कि हम इस कमरे की साफ सफाई कर देते। अब पीयू काका जी थोड़ी ही ना किसी से आज्ञा लेकर काम करते। पर माफ कीजिएगा मैडम जी, अगर हमें पता होता ना कि आज पीयू काका जी की छुट्टी है तो हम सबके दफ्तर आने से पहले ही दफ्तर की साफ सफाई कर देते। दामिनी, तुमने राधा से पीयू का काम करने के लिए कहा? हाँ वो एक्चुअली। हाँ मैडम जी, हाँ बड़ी मैडम जी, आज सुबह भी हमने सबके लिए सबकी मनपसंद की चाय कॉफी बनाई थी। क्या जी? और फिर सबके छोटे बर्तन भी साफ किए। सीरियसली? बड़ी मैडम जी, हमने ना एक अनुरोध भी किया था कि वो जो बर्तन धोने वाला साबुन है इस पर थोड़ा अच्छा वाला लाए। ये क्या बदतमीजी है दामिनी? कोई बात नहीं माँ जी, काम छोटा हो या बड़ा, काम तो काम होता है। ठीक है राधा, पर ऑफिस में हर डिपार्टमेंट में काम करने वाला अलग अलग स्टाफ होता है, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत हो गया काम आज के लिए, तुम जाओ अपना सामान पैक करो। एक्चुअली राधा को घर का काम करना इतना पसंद है तो मैंने सोचा। Enough of everything, दामिनी। घर का काम करने वालों को गृहिणी कहते हैं और ऑफिस का काम करने वाली को नौकरानी। अब ये नहीं तुम्हें समझाना होगा, इतनी बड़ी गलती तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी दामिनी। वैसे देखने जाए तो गलती हमारी ही है जो हमने तुम्हारी मूर्खों जैसी शर्त मानकर ऑफिस के स्टाफ को ये नहीं बताया कि राधा मोहन की बीवी है। तुम जानती हो इस ऑफिस में उसकी पोजीशन हमसे भी ऊपर है क्योंकि ये सारा बिजनेस सिर्फ और सिर्फ मोहन की मां का है और तुलसी के चले जाने के बाद ये सारा बिजनेस राधा का है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और पेटीएम।